हेलो एवरीवन, मैं राकेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स का पार्ट टू लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज़ में हम पिछले एक साल के करंट इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कीनिया ने रिप्लेस किया है अपने पूर्व प्रेसिडेंट्स की इमेजेस को अपने करेंसी क्वाइंस से, और उन्होंने इसको यहाँ पर लगा दिया है एनिमल्स की इमेजेस को, एनिमल कंजर्वेशन के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए। करेंसी क्वाइंस को कहा जाता है शिलिंग किनिया में, और यहाँ से पूर्व राष्ट्रपतियों की इमेजेस को रिप्लेस कर दिया गया है एनिमल्स की इमेजेस के साथ। नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है आंध्र प्रदेश में, और नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव हुआ है रिसेंटली लद्दाख में। अभी 16 नवंबर को नई दिल्ली में भी राष्ट्रीय आदि महोत्सव शुरू हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट ने डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम एक स्कीम लॉन्च की थी, उसी के ऊपर आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की है विलेज वॉलंटियर स्कीम। डिब्रूगढ़ असम की एक चाय है गोल्डन बटरफ्लाई टी के नाम से, और इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे अधिक महंगी चाय का। 1 किलो 75,000 रुपये के मूल्य की बिकी है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है मणिपुर में, और नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम फॉर डिसेबल्ड पीपल बन रहा है मेघालय में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने अपने ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर कर दिया है 27%, और अब छत्तीसगढ़ में कुल रिजर्वेशन हो गया है 82%। दिस इंक्लूड्स 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, और ये केस अभी प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट के भी पास है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन की परसेंटेज एक्सेप्टेड लिमिट से, ऑथराइज लिमिट से बहुत अधिक चली गई है। इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि अपनी कैपिटल को जकार्ता से ईस्ट कालिमंतान शिफ्ट करेंगे। इंडोनेशिया में कुल 17,000 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो। इनकी प्रेजेंट कैपिटल जकार्ता जो है वो जावा आइलैंड पे है, और क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे पूरा आइलैंड पानी के अंदर समा रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि अपनी कैपिटल को जकार्ता से शिफ्ट करेंगे ईस्ट कालिमंतान, जो लोकेटेड है बोर्नियो आइलैंड पे। फायंग गाँव है मणिपुर का, जो भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गाँव बना है। INS कलकत्ता और INS शक्ति, इन्होंने चाइनीज नेवी के 17वीं एनिवर्सरी पर आयोजित चाइनीज़ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट किया। INS का अर्थ है इंडियन नेवल शिप, और INS वेला 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है इंडिया की। पहली थी INS कालावेरी, दूसरी थी INS खंडेरी, तीसरी थी करंज, और अब चौथी है INS वेला। गूगल ने लॉन्च किया ही पहली ड्रोन डिलीवरी लॉन्च की है ऑस्ट्रेलिया में। अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और कलाश्निकोव कंसर्न ऑफ रशिया मिलकर बना रहे हैं AK-203 की फैक्ट्री। AK इज एवटोमैट कलाश्निकोव, और AK-47 जो वेल नोन एक गन है वो है कलाश्निकोव का 1947 मॉडल। इसमें 1947 से लिया गया है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने स्टार्ट की है एक चेयर इनइक्वालिटीज स्टडी में अमर्त्या सेन के नाम पर, और अमर्त्या सेन को नोबेल प्राइज मिल चुका है इकोनॉमिक्स का 1998 में। चाइनीज मिल्क को भारत में बैन किया गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलामाइन सब्सटेंस। एकेडमिक लोमोनोसोव दुनिया का पहला तैरता न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है, रशिया का है ये। भारत की सरकार ने भारत को 2030 तक मलेरिया मुक्त और 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना को 2019 में मलेरिया फ्री घोषित किया, और श्रीलंका को मीजल्स फ्री घोषित किया। अरुणाचलम मुरुगंधम एक बहुत ही फेमस नाम है, पैडमैन के नाम से मशहूर है, जिन्होंने सैनिटरी नैपकिंस को पॉपुलराइज किया, और ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें फॉर्च्यून मैगजीन 2019 ने दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट लीडर्स की सूची में रखा है। इफ्को में कुल 36,000 इंडियन कोऑपरेटिव्स हैं, और ये बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव। इफ्को इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मोनैको, ने इसने अपना नाम बदल लिया है, और अब इसका नया नाम हो गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। जापान के नए एम्परर हैं, किंग हैं नारुहितो, और नई सदी का नाम है नई ईरा का रिवा। इससे पहले थे अकीहितो, और सदी का नाम था हेसी। तो पुरानी सदी का अंत हो गया है हेसी का, नई सदी आ गई है रिवा। पुराने किंग थे अकीहितो, जिन्होंने गद्दी छोड़ दी है, और अब गद्दी पर हैं नारुहितो। इस गद्दी को, जापान के थ्रोन को कहा जाता है क्रिसंथेमम। 120 शहरों में भारत की शुरू हुआ है क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसका लक्ष्य है कि 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर की जो संख्या है, पार्टिकुलेट मैटर को ये रिड्यूस करेंगे 20 से 30% तक, जो अब का स्टेटस है।
गुजरात ने लॉन्च किया है पीएम ट्रेडिंग सिस्टम और ये दुनिया में फर्स्ट टाइम शुरू हुआ है। पीएम के बारे में हम पिछले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 2019 के 17वीं जनरल इलेक्शंस में 17वीं लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस हुए उसमें 78 फीमेल एमपीज चुन के आई हैं। 543 में से 542 सीट्स का रिजल्ट आया है। एक सीट का रिजल्ट नहीं आया क्योंकि वेल्लोर सीट में एक्सेसिव कैश केसेस के कारण इलेक्शन रद्द हो गया। लोकसभा के कुल सीट्स हैं 553, जिसमें से 8 चली गई हैं पीओके में, तो अब नल एंड वाइड हैं। सो इस हिसाब से हमारे पास सिर्फ बच गई हैं 545, जिसमें से 2 को करते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट, तो इस हिसाब से बच जाती हैं हमारे पास 543। तो 543 पे इलेक्शंस होते हैं। बिहार ने नोटा पे सबसे अधिक वोट किया है, 5.04%। नोटा इज़ नन ऑफ द अबव। 9 डॉट्स प्राइज 2019 का मिला है एनी जैदी को ब्रेड सीमेंट कैक्टस के लिए। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनी है इसरो की नई कमर्शियल आर्म आफ्टर अंतरिक्ष। अब ये 2 हो गई हैं। इसरो की फॉर्मेशन हुई थी 1969 में। इसरो के प्रेजेंट हेड हैं के सिवान। सिस्टर सिटी एग्रीमेंट के अंडर भारत के प्रधानमंत्री ने इस साल G20 समिट जो ओसाका जापान में हुई थी उस दौरान अहमदाबाद, भारत के अहमदाबाद सिटी और जापान की कोबे सिटी जो ह्योगो जापान में है, इनके बीच में सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन किया। इससे पहले भारत 2016 में जापान के साथ सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप MOU साइन कर चुका है। भारत ने पहले ही सिस्टर सिटी एग्रीमेंट कई कंट्रीज़ के साथ कर रखा है, जिसमें चाइना, US, रशिया, कनाडा मुख्य हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टोटल भारत में 22 ओम्बड्समैन ऑफिस हैं, जिसमें से सबसे अधिक हैं दिल्ली में 3 ऑफिस। ओम्बड्समैन एक कार्यकारी होता है, एक सरकारी अधिकारी होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, जो डील करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट्स को। कोई भी आम नागरिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है उसके कार्यप्रणाली के अगेंस्ट, और उन सब कंप्लेंट्स को देखता है ओम्बड्समैन। RBI ने 4 सीज मिशन लॉन्च भी किया था पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम के लिए भारत में, और ये 4 सीज हैं कॉम्पिटिशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कॉन्फिडेंस। COP14 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये हुई है ग्रेटर नोएडा में, जो नई दिल्ली के पास एक शहर है। अब नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिस इज नोएडा। अमिताभ घोष के बहुत ही 2 फेमस बुक्स हैं, एक है गन आइलैंड और एक है द ग्रेट डीरेंजमेंट्स। अमिताभ घोष वही शख्सियत हैं जिन्हें 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और ये पहले राइटर बने हैं जिन्हें ये इंग्लिश नॉवल के लिए दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और भारत के सभी प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्पैरो नाम है CBIC ऑफिसर्स के एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल का, स्पैरो, और CBIC है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। प्रणब कुमार दास हैं प्रेजेंट चेयरमैन CBIC के। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है बजरंग पुनिया को, जो रेसलिंग के लिए दिया गया है, और दूसरा दिया गया है दीपा मलिक को, जो एक पैरा एथलीट हैं, इन्हें ये शॉटपुट के लिए दिया गया है 2016 के लिए। फ्रेंकी जपाटा फ्रांस के हैं, एक पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है होवर बोर्ड के ऊपर। भारत ने FATF को ज्वाइन किया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को 2010 में, और भारत बना था इसका 34th मेंबर, 34वां मेंबर। 2019 में कुल मेंबर हैं इसके 37। FATF की स्थापना हुई थी 1989 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। केवल 2 कंट्रीज हैं जो नॉर्थ ब्लैक लिस्टेड है FATF की लिस्ट में, और ये हैं नॉर्थ कोरिया और ईरान। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की बहुत दिन से कोशिश चल रही है, बट लास्ट टाइम भी मलेशिया और टर्की ने इसे बचा लिया, उससे पिछली बार चाइना ने वोट किया था इसके पक्ष में। लेट्स सी। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जेल हुई है INX मीडिया केस में, जो संबंधित है इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी की एक कंपनी से, INX मीडिया कंपनी से, और इन्होंने इलीगल FDIs और डिसइन्वेस्टमेंट के कारण ये कंपनी चर्चा में आई थी, और जिससे रिलेटेड हैं पी चिदंबरम के पुत्र, और पी चिदंबरम के बेटे की एक मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है चेस मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, और इसे इन्होंने इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी ने हायर किया था एज अ कंसल्टेंट इन 2008, और इसके बाद से इनके ऊपर जितने भी इलीगल FDIs और डिसइन्वेस्टमेंट्स के केसेस थे वो
धीरे धीरे बंद होते चले गए, लेकिन फाइनली ये केस फिर से ओपन हुए और अब प्रेजेंटली पी चिदम्बरम को इसमें दोषी पाया गया ब्राइब के लिए, इन्हें रिश्वत लेने के जुर्म में जेल हुई है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, दुनिया का बेस्ट बैंक है एज पर यूरो मनी मैगजीन। ये इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। प्रेजेंट CEO है पीयूष गुप्ता। यूपी ने पूर्णतः DJs को बैन कर दिया है, अगर कोई पाया गया DJ बजाता हुआ तो 5 साल की जेल और 1,00,000 रुपये फाइन होगा। PV संधू पहली इंडियन है जिन्होंने जीता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया था बेसल स्विट्जरलैंड में। इसमें इन्होंने हराया है फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को। PV संधू संबंध रखती हैं तेलंगाना से और उनके कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है जो बैंकिंग फ्रॉड्स को देखेगा 50 करोड़ से अधिक के। इसके हेड बोर्ड के बनाए गए हैं TM भसीन। नेक्स्ट इज 4 कंट्रीज़ हैं सिंगापुर भूटान UAE और बहरेन, इनमें रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है। रुपे इंडिया का डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम है जिसे बनाया है NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2012 में, और ये दूसरे कार्ड्स वीज़ा और मास्टर कार्ड से कंपेरेटिवली 23% लेस कॉस्टली है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 23% कम है। इसमें बैंक्स को कोई भी चार्ज नहीं दिया जाता है जैसा बाकी कार्ड्स में बैंक्स चार्ज करते हैं, और 2018 में रुपए के यूज़ में 135% की बढ़ोतरी देखी गई। गुजरात ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 को टॉप किया है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, और ये बिग स्टेट्स में गुजरात टॉपर था, हिमालयन स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश टॉपर था। टाइम्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस में स्टैचू ऑफ यूनिटी और मुंबई का साहो हाउस भी इंक्लूडेड हैं। दुनिया की सबसे अधिक अशिक्षित देश है बुर्किना फासो जिसमें केवल 12.8% ही साक्षरता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.76 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किया था, RBI को करना था 1.76 लाख करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को 2019-20 के करंट फिस्कल ईयर में, और इसमें से 1.23 लाख करोड़ तो सरप्लस था और 52,637 था एक्सेस कंटीजेंसी प्रोविजंस के लिए। और ये था सारा बिमल जलान कमेटी की रिपोर्ट्स के अनुसार। RBI अपने शेयर्स को सरप्लस शेयर्स को गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है एज़ पर RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 47। नेक्स्ट इज़ फ्रांस G7 समिट 2019 की जो 45वां संस्करण था इसका, उसे आयोजित किया फ्रांस ने। पिछले साल 44th कनाडा ने किया था, अगले साल 46th करेगा USA। इंदिरा गांधी थी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्री। सरदार स्वर्ण सिंह थे हमारे विदेश मंत्री, मिनिस्टर ऑफ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और जनरल जयंतो नाथ चौधरी थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब ताशकंद समझौता साइन हुआ था 10 जनवरी 1966 को। और ये समझौता साइन हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान के बीच में। ताशकंद कैपिटल है उज़्बेकिस्तान की, और 10 जनवरी 1966 को ये समझौता साइन हुआ था। 11 जनवरी को रहस्यमय परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। सुमित नागल एक 22 वर्षीय टेनिस प्लेयर हैं झज्जर हरियाणा से, जिन्होंने रॉजर फेडरर के अगेंस्ट खेला है US ओपन 2019 में और एक सेट भी जीता है। के कस्तूरी रंगन कमेटी रिलेटेड है ड्राफ्ट करने के न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ये फ्लाइट कंट्रोलर ऑफिसर हैं जिन्हें 15 अगस्त 2019 को युद्ध सेवा मेडल दिया गया है। बालाकोट स्ट्राइक जो 27 फरवरी 2019 को ही थी, उसमें इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक टीम को गाइड करने के लिए ये पहली वुमेन है, पहली लेडी ऑफिसर है जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है युद्ध सेवा मेडल। और इसके अलावा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र दिया गया था 15 अगस्त को ही। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली का रीनेम हो गया है, अब इसका नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। भारत चाइना के पास बाद दूसरा है इंटरनेट यूज़र पॉपुलेशन के आधार पर। चाइना में 21% जनसंख्या इंटरनेट यूज़र है और भारत में 12%। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने समर्थ नाम से एक स्कीम लॉन्च की है 18 स्टेट्स में, जिसमें 4 लाख वर्कर्स, वर्कर 4 लाख वर्कर्स को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। फ्लिपकार्ट ने भी इसी नाम से एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम रखा है फ्लिपकार्ट समर्थ। इसमें वो भारत के आर्टिसंस, वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, बुनकर आदि को एम्पावर करने की एक स्कीम है फ्लिपकार्ट समर्थ। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह इन्हें घोषित किया गया है कि ये होंगे भारत के पहले डिप्टी आर्मी चीफ स्ट्रेटजी। एक नई पोस्ट स्थापित की गई है। भारत के
वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत और वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले पार्ट्स में हम बाकी बचे हुए करंट अवेयर्स को डिस्कस करते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।